चलेगा मामा का बुलडोजर, राजस्व विभाग ही भू माफिया पर है मेहरबान। एक एकड़ से पेट पालन करने वाले दलित को जेल की धमकी देकर हटाया। पहले पटवारी महोदया ने प्रयास किया झुग्गी हटवाने का, नहीं हटाई तो ऊपर वाले की मेहरबानी से आग में जलकर हो गई खाक। अब राहत देने का दिखा रहा प्रशासन ढोंग। 7 एकड़ जमीन पर हबीब मियां का कब्जा बरकरार, 1 एकड़ भूमि पर काबिज दलितों को जेल की धमकी देकर किया। जी हां, आपको बता दें, एक तरफ तो भू माफिया और दबंगों के खिलाफ मामा का बुलडोजर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग के होनहार ऑफिसर भू माफिया के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की गई शिकायतकर्ता को धमकी देकर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, दलितों ने 1 एकड़ जमीन पर कब्जा किया तो उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर कब्जा छोड़ने का लिखवा लिया। इसके बाद पटवारी महोदया ने झुग्गी हटाने का कहा। दलित ने झुग्गी नहीं हटाई तो भगवान की कृपा से झुग्गी जल गई। अब कौन करेगा जांच, किसने जलाई झुग्गी, क्या होगी कार्रवाई, कैसे चलेगा भू माफिया पर मामा का बुलडोजर? पीड़ित ने सुनाई आप बीती, तहसीलदार महोदय मीडिया के सामने नहीं दे पाए जवाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर। क्या समस्या है आपकी, क्यों आए आप यहाँ पर? साहब ने बुलवाया है। किस लिए? तहसीलदार साहब ने कि अपनी शिकायत वापस लो। कौन सी शिकायत? साहब 35-40 एकड़ जमीन वहाँ पे नाजायज है साहब। क्या? 40 एकड़ जमीन वहाँ पे नाजायज है और सब बड़े दमंग लोगों के पास में है। हाँ? और 1 एकड़ जमीन मैंने कर ली है थोड़ी उपजाऊ, तो उसमें करने नहीं दे रहा, ना मेरे को पानी फेरने दिया, उसमें 1 बोरी गल्ला निकला था। अच्छा, तो अभी किस बात की शिकायत लेने आए आप यहाँ पे, क्या शिकायत करने आए? साहब बोल रहे हैं कि अपनी शिकायत वापस लो सीएम हेल्प से। कौन सी शिकायत? वो जमीन वाली। तो जमीन कौन सी शिकायत, किसकी शिकायत की थी आपने? मैंने साहब सभी लोग पटवारी साहब की। क्या शिकायत थी उसमें? 7-8 एकड़ जमीन उनके कब्जे में है साहब, और वो दबंग आदमी है, वो मेरे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोलो कौन है दबंग आदमी, क्या नाम है उनका? मियाँ भाई है, और नाम बताओ। हबीब मियाँ है, एक पप्पू मियाँ है। और अगर या तो तेरी वो हटा यहाँ से। कौन सी जगह का मामला है ये? इटाया खुर्द का मामला। इटाया खुर्द का। तो तुम्हारी जमीन पर अभी तुम्हारा कब्जा है कि हटा दिया तुमने? SDM साहब ने बोला कि कब्जा हटा वहाँ से, उन्हीं से रसाले को सेंट्रल जेल भेजवा दूंगा कल। अच्छा, फिर तुमने हटाया? मैंने साहब डर के मारे मैं हटाया तो नहीं, अब वहाँ पे एक टपरिया बनी हुई थी, मैडम बोले कि इसको हटाओ। मैंने टपरिया नहीं हटाई साहब, 2 दिन के बाद में वो टपरिया ही जलवा दी सर। अच्छा, टपरिया जलवा दी? वो जलवा दी, उसमें मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। उसकी आपने कहीं शिकायत की? मैंने साहब थाने में करी, थाने वालों ने भी मेरी कोई सुनी था। ठीक, अच्छा, ये राजस्व विभाग उसकी मदद कर रहा, दूसरे अतिक्रमण वाले उन्हीं की मदद कर रहे हैं साहब। आपकी तो हटवार है? मेरे हटवार है, वो गल्ला कटने का उनका पहले करेंगे करेंगे, नहीं करा था कुछ। ठीक, इनका मामला अमर सिंह से संबंधित मामला है, तो हम जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। नहीं, इनका अतिक्रमण इनने अभी हटाया कि नहीं हटाया? इनके द्वारा हटा लिया गया। अच्छा, अभी इस पर क्या शिकायत, कौन सी शिकायत वापस लेने के लिए इस पर दबाव दिया जा रहा है? अतिक्रमण वाली बात है। नहीं, इसका कहना यह है कि हमने सीएम हेल्पलाइन में दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो अतिक्रमण किया उसकी शिकायत की है, उसे हटवाने के लिए तहसीलदार साहब निरंतर हम पर दबाव बना रहे हैं। जो अतिक्रमण हटा ली गई है तो शिकायत को कोई औचित्य ही नहीं है। नहीं, दूसरे हबीब मियां के द्वारा अतिक्रमण है कि नहीं है? नहीं, अतिक्रमण दोनों का था। हबीब मियां ने, हबीब मियां पर कार्रवाई हुई आपके तरफ से? नहीं, वो हमारे द्वारा नहीं की जा रही है। हबीब मियां के खिलाफ आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई अभी तक? केस दर्ज किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये नया तहसीलदार अब्दुल्लागंज के पास है। नहीं तो इनसे जो शिकायत वापस करवाने के लिए दबाव क्यों दिया जा रहा है? एक से बढ़कर एक ताज़ी अपडेट के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।